हमारी यहाँ तो पार्टी चल रही है सर। Your husband always ruins my photos. Cheers. चल आजा चाची के साथ, चलो चलो। तुम सबसे एक दो बातें करनी है। क्या हुआ? कैब के लिए वेट कर रहा हूँ, आजा छोड़ देता हूँ। मीटिंग में ऐसे ही जाते हो तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको। बाप बेटे के झगड़े में ना मैं फंस गई। मैं चाहती हूँ इस बार की होली हम सब साथ मनाकर इस घर से निकले। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मनोज बाजपेयी को बड़े पर्दे पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं।
जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा।
फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी।
घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है।
बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं।
उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं।
फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है।
तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं,
जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा।
फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं,
जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा।
फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी।
घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है।
तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं,
जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा।
फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं,
जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती। वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती। वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है? यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाले सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा।
फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं।
जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर विला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज वाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज वाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुमबत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है, जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है। बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा।
फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है, लिहाजा उन्होंने OTT को अपना नया ठिकाना बना लिया है। OTT पर एक के बाद एक बेहतरीन वेब शोज और फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही दमदार है। बस आजकल वह बड़े पर्दे और छोटे पर्दे से आगे तीसरे पर्दे पर ही अपना दम दिखा पा रहे हैं। शुक्रवार 3 मार्च को उनकी एक और न्यू फिल्म गुलमोहर सीधे OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में स्थित गुलमोहर बिला में रहने वाले एक रईस परिवार की कहानी है। होली के त्योहार से पहले अपने घर में यह परिवार अपने आखिरी दिन बिता रहा है। ये फैमिली ऊपर से भले ही चमक धमक भरी लगती है, लेकिन अंदर से काफी बिखरी हुई है। हाई सोसाइटी के ज्यादातर परिवारों की तरह इसके मेंबर्स भी अपना बंगला बेचकर अलग अलग फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि एक घर में रहकर वे बंधनों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इस घर से दूर जाकर उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। घर की सबसे सीनियर मेंबर कुसुम बत्रा दिल्ली छोड़कर पांडुचेरी शिफ्ट हो रही हैं, जबकि उनका बेटा अरुण यानी कि मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ बिंदु यानी सिमरन के साथ गुरुग्राम के फ्लैट में जाकर रह रहा है। अरुण का बेटा आदित्य अपनी वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहने का फैसला करता है, जबकि अरुण की बेटी अमृता भी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन वह अपनी लाइफ में एक दूसरी परेशानी का सामना कर रही है। बत्रा फैमिली में अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा और उनका बेटा कमल, बहू नीना और पोता किशोर भी हैं। अरुण और उसके बेटे में कुछ खास नहीं बनती, वहीं उसकी बेटी भी एक अलग परेशानी का सामना कर रही होती है। जबकि अरुण अपने बच्चों से अलग होने को लेकर परेशान है, बावजूद इसके कुसुम ने सबको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे अपना 34 साल पुराना घर छोड़ने से पहले इसमें अपनी आखिरी होली साथ में मनाएंगे। लेकिन इस बीच अरुण को एक ऐसी सच्चाई पता लगती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो क्या कुसुम का पूरी फैमिली के साथ होली मनाने का सपना पूरा हो पाता है, यह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो डायरेक्टर राहुल चित्तौला ने परफेक्ट फैमिली ड्रामा रचा है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। फिल्म में मौजूदा समय में टूटते संयुक्त परिवारों की उलझनों से लेकर उनकी चुनौतियों तक को बखूबी दिखाया गया है। फैमिली के नौकरों के बीच चल रही प्रेम कहानी का प्लॉट भी दिलचस्प है। मनोज बाजपेयी ने मिडिल एज बिजनेसमैन, एक जिम्मेदार बाप और चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने वाले बेटे के रोल में जान डाल दी है। लंबे अरसे के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाली शर्मिला टैगोर भी कुसुम के रोल में शानदार लगी हैं। काफी अरसे तक साउथ सिनेमा में काम करने वाली सिमरन की बॉलीवुड में वापसी उम्दा है, जबकि सूरज शर्मा ने भी फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। फिल्म का संगीत भी कहानी को सपोर्ट करता है।